अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो रिका वैक्स पे है। रिका वैक्स आप किस तरीके से घर में विदाउट हीटर जो है या विदाउट उसका वो जो एक वैक्स हीटर आता है उसके बगैर कैसे कर सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये जो वैक्स है वो पील ऑफ वैक्स है, इसको आप फेस पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप इसको खींच के इस तरीके से रिमूव करते हैं, तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपके बालों को जो है वो रिमूव कर देती है और आपको कोई पेन नहीं होती। हर तरह के बॉडी पार्ट्स पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरे पास है वो एवोकाडो बटर वाली ही है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने क्या किया हुआ है कि अपने जो केन लिया हुआ था उसको डायरेक्टली चूल्हे पे रखा हुआ है और नीचे से फ्लेम ऑन है, तो इसने सारी वैक्स को बहुत गर्म कर दिया। अदरवाइज़ ये जो वैक्स है वो बहुत ही हार्ड होती है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये बहुत सख्त होती है, तो ये हीटर पे डायरेक्ट तो होती ही नहीं है ना। हीटर को तो यूज़ करने का इसके साथ जो है ना वो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले आप इसको इस तरीके से चूल्हे पर गर्म कर लें। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप इसको इस तरह पानी नीचे बॉयल करें और उसके ऊपर रखें तो भी ये मेल्ट हो जाती है। इसको अच्छे तरीके से यहीं पे मेल्ट करने के बाद हम इसको फिर अगर आप चाहते हैं तो हीटर पे रख लें, नहीं तो आप इसी तरीके से पानी के अंदर इसको रख के तो गर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है और अब नीचे से पानी आपका हॉट है। वो जो हमारा पुराना तरीका नहीं होता था वैक्स करने को, जो क्रीम वैक्स करने का मेथड है, उसी मेथड से आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की जो हीटर की है वो ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। अब इसी को मैं आपको आपके जो है ना फेस पे तो नहीं मैं अप्लाई करने लगी, लेकिन मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने हैंड पे या किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। और इसका टेक्सचर ये देखिए, कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है। अब मैं इसको अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी। आप मेरा जो मोशन है वो हाथ के वो नोट करते जाएं कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने इसको ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है और इसको मैं थोड़ी देर खुश्क होने के लिए छोड़ दूँगी, ये ड्राई हो जाएगी थोड़ी सी, एक सेकंड के लिए आपने बस छोड़ना है। फिर आपने उसको चेक कर लेना है हाथ से कि अब ड्राई हो गई है, तो देन आपने अब इसको नीचे से हल्का हल्का ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करते हुए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप ये सेम इसी तरीके से करेंगे इसको, और उसके बाद आपको एकदम से झटके के साथ आपने इसको इस तरीके से पुल ऑफ कर देना है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम वैक्स लगाते हैं बाकी उसी तरीके से है, लेकिन ये आपके एक तो इतनी पेनफुल भी नहीं है और उसके अलावा ये किसी किस्म का रैश आपके फेस पे नहीं करेगी, आपको कोई दाने या इस तरह की चीज़ें इसके साथ नहीं निकलेंगी, क्योंकि निकलती भी हैं दाने वगैरह निकलते भी हैं इनकेस, तो उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हुई हूँ, तो आप मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल रेमेडी है जो कि मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, उससे आपके दाने भी नहीं बनेंगे और साथ ही साथ आपकी जो फेस पे बालों की ग्रोथ भी कम होगी, क्योंकि वो मैंने फटकरी के साथ वो मेथड शो किया हुआ है, वो मेरी वीडियो काफ़ी देर पहले से मैंने बना के रखी हुई है, मेरे चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं फिंगर की मदद से, अपर लिप्स के ऊपर, अपने साइड जो वर्ण्स है आपके फेस के जो चीक्स के ऊपर साइड पे बाल होते हैं तो वहाँ पर आप फिंगर की मदद से भी इसको यूँ करके अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वो स्टिक लें, स्टिक का ये कि बॉडी पार्ट्स पर लगाने के लिए आप स्टिक यूज़ कर लें, और फेस पर आप जो है इस तरीके से फिंगर की मदद से लगाएंगे और साथ ही उसको यूँ तरीके से खींच देंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है का। अब यहाँ पे आपको मैं ये हीटर शो करा रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर द कंडीशन ऑफ हीटर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका हुआ है। ये मैं इसलिए आपको बताने लगी हूँ, सिर्फ यहाँ पे इसलिए बताने लगी हूँ कि ये हीटर मैंने कहाँ से बाय किया था। ये मैंने अपने लोकल मार्ट से ही बाय किया हुआ है, किसी भी पेज से नहीं बाय किया हुआ, लेकिन अभी मैं आपको लेटर ऑन एक हीटर शो कराती हूँ जो कि मैंने फेसबुक का पेज था वहाँ से मंगवाया था, और ये हीटर जो है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग, बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो मेरे से पूछ रही होती हैं कि आपने हीटर मैम कहाँ से बाय किया, हमने वहाँ से करना है, तो जानिए आप अपना कोई भी जो लोकल मार्ट है आपका आप वहाँ से पता करें, उसको चेक करके लें, ऑनलाइन आप मत मंगवाएं। मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करती कि आप ऑनलाइन जो है वो ये वैक्स हीटर मंगाएं, क्योंकि मैंने मंगवाया था और मैंने अपनी पिछली वीडियो में शो किया था, अगर आपने ब्राज़ीलियन वैक्स करनी है ना तो आप बिल्कुल भी इस हीटर को मत मंगवाइएगा ऑनलाइन, अगर आपने लेना है तो किसी लोकल मार्ट से लें। ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।